हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कशफुर। जैसे कि आज के वक्त जो COVID-19 है उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, और इसी की वजह से जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेवेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ग्लोबली, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है फॉर फ्रंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सो दैट जो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है कस्टमर का उसको इम्प्रूव कर सके, या बैक एंड हो उसको सिंप्लीफाई और डिजिटाइज प्रोसेस करने के लिए, सो दैट जो टर्न अराउंड टाइम है वो रिड्यूस हो सके कस्टमर का, और उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस दे सकें और एंड टू एंड जो कस्टमर जर्नी है उसको एकदम सीमलेसली अच्छा कर पाए। आज के वक्त अगर गार्टनर रिपोर्ट देखें तो जो कंटेंट सर्विस मार्केट है एस्टिमेटेड है 7,142.8 मिलियन डॉलर जो 2019 में था, और यही कंटेंट सर्विस मार्केट जो एस्टिमेटेड है कि 2025 तक लगभग 9,197.9 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 4.3% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो हो रहा है, राइट। वहीं पे लो कोड मार्केट की बात करें जो कि 2019 में अराउंड 9,152.6 मिलियन डॉलर के आसपास था, जो एक्सपेक्टेड है कि 2019 से 2025 के बीच में 21.2% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो होगा और पहुंच जाएगा 2,963.4 मिलियन डॉलर के आसपास। और जो दूसरा जो प्रोसेस है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन की अगर हम बात करें, जो एस्टिमेटेड मार्केट है 2019 का था 2,507 मिलियन डॉलर के आसपास था, जो एस्टिमेटेड है कि 2025 तक कम से कम 3,758.4 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएगा, राइट, जो कि 7% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने एक चीज बात किया, कंटेंट सर्विस हो गया, लो कोड प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, क्योंकि जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ वो इसी सेक्टर में इसी बिजनेस में डील करता है। आईटी कंपनी जितनी भी होती है सबका बिजनेस अलग अलग होता है, तो इस कंपनी का बिजनेस इस तीन कोर में है। तो आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में जानते हैं। सो न्यूजेन सॉफ्टवेयर कंपनी 1992 में स्टैब्लिश हुआ, और ये वाइड रेंज ऑफ डिजिटल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म प्लेयर है, जहां पे ये क्रिटिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके वजह से इस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन है जो दूसरी कंपनीज इस रोल में नहीं है, जिनका जो कोर बिजनेस इसमें नहीं है, जिसके अंदर ये कंपनी एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट हो गया, जो इस कंपनी का कोर बिजनेस है। इस कंपनी के पास टोटल 6 होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, और अभी के वक्त 550 एक्टिव कस्टमर है, जो कि 2021 में 67 न्यू कस्टमर इन्होंने इंक्लूड किया है। और ये जो 67 न्यू कस्टमर है वो मोस्टली क्लाउड बेस्ड के सर्विसेज जो उसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं, जो भी सर्विसेज है उसके अंदर में कंपनी जो भी प्रोडक्ट ये ऑफर करती है अक्रॉस 17 इंडस्ट्रीज में, जैसे कि आपका वर्ल्ड लीडिंग बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, गवर्नमेंट, टेलीकॉम कंपनीज एक्सेट्रा, यहाँ तक कि बीपीओ और सर्विस सेंटर में भी प्रोवाइड करती है। कंपनी मोर देन 72 कंट्रीज में अवेलेबल है, और 300,000 प्लस एम्प्लॉयज है इस कंपनी के पास। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी अलग है दूसरी आईटी कंपनी से। जो पहला इनका बिजनेस है कॉन्टेक्चुअल कंटेंट मैनेजमेंट या एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट। ये बेसिकली क्या होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होता है, जो कि आप फाइल में लिखते हो, इमेज होता है, स्कैन कॉपी होता है, पीडीएफ हो, एक्सेल हो, स्प्रेडशीट हो, वो सारा का सारा जो डेटा होता है उसको एक तरीके से इसको डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट जो भी कस्टमर या इनके क्लाइंट्स है उसको एक्सेस आसानी से कर सके, जब भी कभी भी 24/7। इन्होंने इसके लिए रिसेंटली जो इनका एक केस स्टडी है, जो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है, मोर देन 250 मिलियन कस्टमर बेस्ड है, और 500 मिलियन पॉलिसीज को इन्होंने एक तरह से प्रोसेस किया, मोर देन 2,000 ब्रांचेस और 113 डिवीजन ऑफिसर की अगर हम बात करें। तो यहाँ पे उन्होंने उस कंपनी का जो अनस्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन था एक तरह से डिजिटाइज फॉर्म में रखा है, तो उनके लिए आसानी है। इनका सेकंड बिजनेस की बात करें जो कि लो कोड प्रोसेस ऑटोमेशन। जो लो कोड प्रोसेस ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी कंपनीज है जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए
जो भी वेबसाइट या जो भी डेवलपमेंट करना है वहाँ पे जो कोडिंग की ज़रूरत है बहुत कम लगता है, मतलब ये काफ़ी इजी होता है जो नॉन टेक्निकल यूज़र होते हैं, और बिजनेस को काफ़ी अच्छे तरीके से रन किया जा सकता है, जिससे इनका जो रिलेवेंस है या सॉफ्टवेयर डेवलपर का या इंजीनियर्स का वो कम हो जाता है, और कंपनी को कॉम्प्लेक्स कोड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। यहाँ पे आपको जो टेम्पलेटेड ड्रैग्स एंड ड्रॉप करके आप क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे कंपनी लार्जर स्केल्स पे प्रोवाइड करती है, जहाँ पे छोटी छोटी कंपनीज वीक्स हो गया, टॉप मोज हो गया, ये सब प्रोवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा, सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ऐसा कंपनी मोर देन 2000 के ऊपर प्रोवाइड करती है। केस स्टडी की बात करूँ, जो यूएस बेस्ड एक लेंडिंग कंपनी है जो कि काफी 240 ब्रांचेस ऑफिसेज है, जहाँ पे उन्होंने एक लोन को किस तरह से ओरिजिनेट करना है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कस्टमर के लिए, उन्होंने इनका एक तरह से सर्विस लिया और उसमें काफी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला है। इनका थर्ड बिजनेस की बात करें जो कि ओमनी चैनल कस्टमर कम्युनिकेशन। ओमनी चैनल कस्टमर कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट वे से सारे के सारे कस्टमर्स के तरफ पहुंचना है, या कहूँ तो कनेक्ट होना, नेटवर्किंग इंक्रीज करना। जहां पे कस्टमर अगर हो गया आपका साथ, अगर हम बात करें आपका ईमेल्स हो गया, एसएमएस हो गया, लाइव चैट हो गया या बॉट चैट हो गया, जहां पे कंपनीज अपने कस्टमर की तरफ पहुंचती, वैसा सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। राइट, अगर इस कंपनी का केस स्टडी की बात करें सीसीएम में, जहां पे एक कंपनी ने जो लीडिंग प्राइवेट बैंक है इंडिया में, उनको ये सर्विस प्रोवाइड किया, जहां पे कस्टमर्स को अच्छी तरीके से मतलब एक तरह से ट्रैक कर पाते और उनको सर्विस प्रोवाइड कर पाते थ्रू एसएमएस से, थ्रू आपका लाइव चैट से या बॉट चैट से उससे। सो ओवरऑल इस कंपनी का अगर देखें, ये तीन कोर बिजनेस था जो कि 57% बिजनेस कंपनी का एन्युटी रेवेन्यू के थ्रू आता है। एन्युटी मतलब कि कंपनी का 100 कस्टमर में से 57 ऐसे कस्टमर जो रिपीट बिजनेस देते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। वहीं पे सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो भी कंपनी प्रोडक्ट बेचती है आपका बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में, वहां से 20%, सेल ऑफ सर्विसेज की बात करें तो 23%। अगर वर्टिकल कॉन्ट्रीब्यूट करें तो ये सबसे ज्यादा जो बिजनेस इनको जिस सेक्टर से आता है वह बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, या कहो फाइनेंशियल सर्विस ऑलमोस्ट 60% के आसपास। वहीं पे गवर्नमेंट 9% देता है, इंश्योरेंस कंपनीज 8% वहाँ से बिजनेस आता है, हेल्थ केयर से 7%, बीपीओ से 6% और अदर वर्टिकल से 10% के आसपास। ज्योग्राफिकली अगर हम देखें, इस कंपनी का 31% के बिजनेस यूएसए से आता है, एशिया स्पेसिफिक से ओवरऑल 14% के आसपास बिजनेस आता है। मतलब कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है। सो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारा स्टॉक एनालिसिस का 12th बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मोर देन 280 स्टूडेंट्स के ऊपर मैं पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे अगर आपको कोई पूछता है कि ये स्टॉक बाय करना है तो आपको क्या क्या रिसर्च करना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस कैसे करना है, इंडस्ट्री रिसर्च कैसे करना है, कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करना है, कंपनी का बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस किस तरह से इंटरप्रेट करना है, भले आप स्टॉक मार्केट के बारे में कभी नहीं सुना हो और आपको स्टॉक की मार्केट की जर्नी स्टार्ट करना, तो डेफिनेटली ये कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये कोर्स एक ऐसा है जहां पे मैं आपको पर्सनली पढ़ाता हूं। जब तक आप सीखते नहीं हो तब तक मैं आपको पढ़ाते रहता हूं। मोर देन जो टोटल 5 लेक्चर्स होते हैं, सुबह 10 से लेकर के 12 हर संडे को, और इन केस अगर आपको फ्यूचर में रिवीजन करना हो तो कोई चार्जेस नहीं, आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ में फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने के बाद इन केस अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आता तो आपका फीस भी रिफंड हो जाता है। मतलब ये 100% गारंटेड कोर्स है, और आपको इस जो लेक्चर के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेगा। राइट, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऊपर दिए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ईच प्लेटफॉर्म अ फ्रंट रनर इन इट्स ओन कैटेगरी। मतलब जो कंपनी कंटेंट मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, या कम्युनिकेशन मैनेजमेंट हो गया, ये कंपनी उसकी कैटेगरी में एक तरह से फ्रंट एंड है। मतलब काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ से जनरेट करती है, क्योंकि दूसरी कंपनी इस सर्विस में ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रेजेंट नहीं है। दूसरा बात करें बिल्ड ऑन यूनिफाइड आर्किटेक्चर, उसके बेसिक कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी कंपैटिबल है सिमलेसली और अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है। जहां पे कंपनी एक तरह से कहो तो कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन लेकर के आता है अपने प्रोडक्ट्स में विथ रिस्पेक्ट टू इसके जो कॉम्पिटिटर है। थर्ड बात करें क्लाउड रेडी आर्किटेक्चर ऑन AWS एंड Azure है। मतलब कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स और सब कुछ सोल्यूशन है ऑलरेडी क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, या जो कि AWS पे और Azure पे है, जिसके वजह से फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है और सिक्योर भी है, और ये वेल सूटेड है फॉर फॉर्च्यून 2000 प्लस मल्टीपल एंटरप्राइजेस कंपनीज के लिए, जहां पे करंट और फ्यूचर सोल्यूशन भी यहां से ले सकते हैं।
फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, डाइवर्सिफाइड ग्लोबल कस्टमर, इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है मोर देन 72 कंट्रीज में प्रेजेंट है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, एनुअली ड्रिवन रेवेन्यू मॉडल, मतलब ऑलमोस्ट 57% के आसपास कंपनी को रिपीट बिजनेस आता है, तो जिससे कंपनी का रिस्क भी कम हो जाता है। सिक्स्थ की बात करें, कंपनी के पास मोर देन 550 प्लस एक्टिव कस्टमर है और इंस्टॉल बेस की बात करें तो मोर देन 72 कंट्रीज में। सेवन्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, इनोवेटिव प्रोडक्ट सूट विद, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कॉस्ट है इनका, 2017 में अराउंड 7.3% के आसपास टोटल रेवेन्यू खर्चा करते थे, वहीं पे 2021 में इंक्रीज होकर के 9.8% के आसपास पहुंच चुके, जिसके वजह से कंपनी न्यू फीचर्स या आपका इंटेलिजेंट सर्विस हो गया, लो कोड एप्लीकेशन हो गया, डिजिटल सेंसिंग हो गया, या आपका आरपी हो गया एक्सेट्रा, कंपनी एक तरह से को तो रिसर्च ड्रिवन कंपनी, जिसके वजह से कंपनी नए प्रोडक्ट्स और फीचर्स लेकर के आ रही है। एट पॉइंट की बात करें, लो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन हिस्टोरिकली, मतलब कंपनी का जो टॉप 10 कस्टमर से ऑलमोस्ट 22% के आसपास ही टोटल रेवेन्यू आता है, जिससे कंपनी का रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट आता है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा एन्युइटी रेवेन्यू स्ट्रीम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, वहाँ से बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, और जो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है जो एन्युइटी रेवेन्यू मॉडल के अंदर में, वहाँ से 30% विटनेस देखने को मिला, मतलब ग्रोथ की अगर हम बात करें। सेकंड अगर देखें, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस एंड ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट, तो कंपनी अपना बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करना चाहती है और ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी इंक्रीज करना चाहती है, उसके लिए कंपनी ने एक तरह से मार्केटिंग और सेल्स टीम को भी काफ़ी तेजी से हायर कर रहे हैं और बहुत सारे दूसरे चैनल पार्टनर के साथ भी इन्होंने टाई अप किया है। थर्ड अगर हम बात करें, टारगेटिंग फॉर्च्यून 2000 एंटरप्राइजेस इन अ मैच्योर मार्केट, जो कि डेवलप्ड नेशन की अगर हम बात करें, वहाँ पे ये ऑलमोस्ट 2000 कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं और वहीं पे उन्होंने कम से कम 8 बड़े कस्टमर्स को एक तरह से ऑर्डर उनसे मिला है, जहाँ पे ये ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले 2021 की अगर हम बात करें, मतलब GSI से बहुत अच्छा खासा बिजनेस आने की उम्मीद है। फोर्थ अगर हम बात करें, कंपनी का जो फिलहाल जो ऑर्डर बुक है अंडर एग्रीमेंट ऑलमोस्ट $5.9 मिलियन के आसपास है, जो कि Q1 FY 2022 की अगर हम बात करें, और आने वाले 3 साल के लिए ऑर्डर मिला है, जिससे कंपनी और अच्छा नंबर रिपोर्ट कर पाएगी। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, जो ग्लोबल मार्केट साइज है कंटेंट मैनेजमेंट का ऑलमोस्ट $20 बिलियन के आसपास 2022 तक पहुंच जाएगा, वहीं पे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें $8 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा 2022 तक, वहीं पे कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट 2022 तक ऑलमोस्ट $2 बिलियन के आसपास इंडस्ट्री पहुंच जाएगा। कंपनी काफ़ी नीच IT सेगमेंट के अंदर IT सेक्टर में डील करता है, जहां पे बहुत ही कम प्लेयर्स है और कंपनी का बिजनेस पूरा का पूरा BFSI पे डिपेंडेंट, जिसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, तो इसमें सबसे पहला आता है कि कंपनी का जो ओवरऑल 2019 का अगर आप रेवेन्यू देखो तो 641 करोड़ के आसपास था, वहीं 2020 में जंप होकर के 687 करोड़ के आसपास पहुंच गया, मतलब कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंट देखने को मिल रहा है। वहीं पे कंपनी का प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 102 करोड़ था, वहीं 2021 में 126 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, मतलब कंपनी का रेवेन्यू भी और प्रॉफिट भी एक तरह से कहूँ तो कंसिस्टेंसी देखने को मिला है। वहीं पे अगर बैलेंस शीट अगर आप लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे, सो कंपनी का जो 2019 में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था 230 करोड़ के आसपास था, वहीं 2021 में जंप होकर के 325 करोड़ के आसपास पहुंच चुका, मतलब कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। वहीं पे 2019 में कंपनी डेट फ्री थी और 2021 में सिर्फ 14 करोड़ का टोटल लॉन्ग टर्म डेट है, जो कि कुछ भी नहीं अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को देखें, मतलब कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन और कंपनी को लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है और लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रो करने का पोटेंशियल भी रखता है, इनका बैलेंस शीट से नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑब्जर्व करें, जो 2019 में 102 करोड़ के आसपास था, वहीं 2021 में जंप होकर के 215 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन दिखा है कि कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, मतलब कंपनी का बिजनेस एक्सपांड हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा कंपनी आने वाले वक्त में रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखो तो 30 करोड़ के आसपास था 2019 में, वहीं 2020 में ये 46 करोड़ के आसपास है और 2021 में सीधा जंप होकर के 204 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी काफी साउंड है और पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी बेहतर नजर
आता है। अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क एंड वैल्यूएशन के बारे में। जैसे कि कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस अदर कंट्री से आता है, तो इस कंपनी के ऊपर करेंसी रिस्क होता है। दूसरा, पॉलिटिकल रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अलग कंट्रीज में अलग अलग लॉज होते हैं, वो भी एक रिस्क कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम देखें इसके में, तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी स्ट्रांग है, भले वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो, जिसके वजह से कंपनी का वैल्यूएशन लॉन्ग रन में और बेहतर हो जाता है। सो अभी के टाइम पे जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है, मेरे ख्याल से एक तरह से अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए काफी बेहतर है, शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल एक्वायर नहीं करना चाहिए। जो कंपनी जिस बिजनेस में डील करती है, जो आईटी सेगमेंट में, वैसी दूसरी कंपनी उस सेगमेंट में और कोर जो बिजनेस है उसमें अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी का बिजनेस काफी यूनिक है, जिसके वजह से ये कंपनी लॉन्ग टर्म में और बेहतर कर सकता है। सो होप सो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, रिसर्च अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।